स्टार्टिंग में बता दिया है कि आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है, कि अल्फा डीओबी, नॉर्मल एसीडीसी, ये भी अल्फा डीओबी एसीडीसी वाली अल्फा डीओबी है और ये भी एसीडीसी नॉर्मल वाली, और यहाँ पे सर्कल के एमसीपीसी भी इसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर यहाँ पे रखा हुआ है। अब मार्केट में आप अगर कोई भी एलईडी बल्ब लेने जाते हैं एसीडीसी का, तो वो एक आपको प्रोडक्ट दे देते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको 350 का पड़ेगा। अब उसके अंदर आपको नहीं पता है कि वो उसमें अल्फा डीओबी एसीडीसी उपयोग किया गया है और नॉर्मल एसीडीसी उपयोग किया गया है और सर्कल एसीडीसी उपयोग किया गया है। तो काफ़ी लोग इस तरीके से मार्जिन क्रिएट करते हैं, एक क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की में कॉम्प्रोमाइज। हेलो गाइस, वेलकम टू यू लाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और आज की वीडियो है हमारी एसीडीसी अल्फा बल्ब के ऊपर। काफ़ी लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी, कमेंट थी कि सर एक बार एसीडीसी अल्फा पर भी वीडियो बनाइए। काफ़ी आपने वीडियो सर्कल पे बनाई, एक बार एसीडीसी अल्फा पर बनाइए, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है, हम कम श्रेय से स्टार्ट करना चाहते हैं, मीडियम क्वालिटी में अपना स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, तो एक बार एसीडीसी अल्फा पर वीडियो बनाइए। तो आज जो वीडियो उसी टॉपिक पर है, एसीडीसी अल्फा बल्ब के ऊपर, और काफ़ी कंपैरिजन आपको बताएंगे कि एसीडीसी, क्योंकि जो मार्केट में एलईडी बल्ब का बिजनेस करते हैं उनको ये नहीं पता रहता है कि एसीडीसी, मार्केट में आप कोई भी बल्ब खरीदने जाते हैं तो वो एक आपको एसीडीसी बल्ब दे देते हैं कि 210 रुपये का आपको एसीडीसी बल्ब देखने को मिलेगा। अब उसमें आपको नहीं पता है कि कौन सी क्वालिटी है, अगर मार्केट के हिसाब से बात की जाए सर्कल ड्राइवर अल्फा डीओबी, क्योंकि इनमें भी चार क्वालिटी आती है, एक जैसे नॉर्मल एसीडीसी डीओबी, एक अल्फा एसीडीसी डीओबी, एक ट्रायंगल एसीडीसी, एक सर्कल ड्राइवर एसीडीसी, चार क्वालिटी हो गई। चारों क्वालिटी में प्राइस का भी बहुत ही काफ़ी अंतर है, तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको सारा चीज़ पता चलेगा कि किस तरीके से आपको हायर प्रॉफिट देखने को मिलेगा और किस तरीके से मार्केट से आपको प्रॉपरली रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। और बाकी की वीडियो को हम कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है। अब आज की जो वीडियो है वो है कंपैरिजन की, कंपैरिजन क्या क्या है आज के जो प्रोडक्ट में। देखिए, अगर ऊपर की अगर बात करें ना, ऊपर बल्ब दिखने में, देखिए बॉडी अगर बात करें तो बॉडी भी सेम ही मिल्की वाइट डिफ्यूज़र आपको मिल जाएगा, और ये नीचे की हाउसिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और ये आपको रिंग देखने को मिल जाएगी, ये आप देख रहे हैं रिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी ये भी एमसीपीसी भी लग जाएगी, और ये भी एमसीपीसी भी लग जाएगी, और ये सर्कल की भी एमसीपीसी भी लग जाएगी। अब उसकी जो अंदर क्वालिटी उपयोग की गई है वो आप किस तरीके से पहचाने वो आपको ओपन करके ही पता चलेगा, और जो लोग पहले से बिजनेस नहीं करते उन्हें नहीं पता रहता है कि कौन सी क्वालिटी क्या चीज़ की रहती है, ठीक है। और अगर बैटरी की बात करें, बैटरी तो बैकअप के ऊपर डिपेंड रहती है कि आप किस तरीके का बैकअप आप चाहते हैं, 3 घंटे का 4 घंटे का या फिर 2 घंटे का, उस तरीके से बैटरी आपको मिल जाएगी। कनेक्टर की अगर बात करें तो कनेक्टर भी लग जाते हैं। अगर डीओबी की बात करें, अल्फ़ा डीओबी, नॉर्मल डीओबी में पतला कनेक्टर लगता है, ये जो बैटरी वाला कनेक्टर, और यहाँ पर रेड वाला आपका प्लस में लगता है और ब्लैक वाला माइनस में, तो ये चीज़ होगी सेम। अब बात करें इनकी, तो इनकी यहाँ पर आप भी बात करेंगे, ये है हमारी अल्फ़ा डीओबी। अगर इस एमसीपीसीबी की अगर बात करें, आपको नज़र आ रहा होगा ये अल्फ़ा डीओबी एमसीपीसीबी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक कैपेसिटर दे दिया है, और यहाँ पे एक मिनी फ्यूज़ भी दिया है, और यहाँ पे एक MB10 लगा है, यहाँ पे एक IC लगा है, ड्रम कॉइल की वो तरह आपकी लगी हुई है। और दूसरी अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, थिकनेस की अगर बात करें, बहुत ही कम थिकनेस है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से थिकनेस आपको देखने को नज़र आ जाएगी। ये अल्फ़ा डीओबी क्या रहता है, अल्फ़ा डीओबी ये जो कैपेसिटर रहता है इसमें क्या रहता है कि वोल्टेज, जैसे अगर आप ये वाली जो एसीडीसी डीओबी लगाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, थोड़ा भी वोल्टेज अगर फ्लैक्चुएसन होता है, ऊपर नीचे आपका वोल्टेज रहता है, तुरंत आपका बल्ब पता चल जाएगा कि वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ उसी हिसाब से वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वोल्टेज हाई है
तो हाई ब्राइटनेस करेगा, अगर वोल्टेज थोड़ा भी कम हुआ तो थोड़ा ब्राइटनेस करेगा, तो तुरंत पता चल जाता है कि इसके अंदर DUV तरीके का कम क्वालिटी का मटेरियल उपयोग किया गया। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको क्वालिटी को थोड़ी इंक्रीज करने के लिए अल्फा DUV ACDC में MCPC बना लेते हैं। इसमें क्या रहता है, थोड़ा भी अगर फ्लक्चुएशन रहेगा तो आपका पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें कैपेसिटर का उपयोग किया गया है कि जितनी अगर वोल्टेज की थोड़ी कमी रहती तो यहाँ से आपका वोल्टेज इसमें कवर कर देता है और आपकी ब्राइटनेस करने लगता है, तो पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी उपयोग की गई। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में भी इस तरीके से करते हैं कि अल्फा DUV में ACDC बना लेते हैं। अब इसकी अगर लाइफ की बात करें, लाइफ की अगर क्वालिटी की बात करें, इसके कंपेरिजन ये तो ऐसे चले तो चले, कितने दिन चल जाए और ना चले तो पता नहीं कब तक चलता है। और अगर इसकी बात करें अल्फा DUV की, इसमें अगर काफ़ी लोग मार्केट अगर बात करें 3 महीने 5 महीने 6 महीने की तक की गारंटी दे देते हैं, मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ जो क्लाइंट देते हैं, तो आप भी उस प्रकार अगर देना चाहते तो अपनी रिस्क की वे पे दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा है जो एरिया में अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं है तो बहुत ही सक्सेस है, क्योंकि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है, हाई वोल्टेज अगर आते हैं तो कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि ब्राइटनेस सबसे सही मिलेगी आपको, सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब अगर इसकी भी कलर की बात करें, इसमें क्या कलर की रहती थी कि इनमें अगर DUV की बात करें, आपको इसमें बिल्कुल वाइट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें नेचुरल हल्का ब्लू टाइप में रोशनी देखने को मिलेगी, हल्की बॉम वाइट में रोशनी देखने को मिलेगी, अगर इनकी अगर कंपैरिजन आपकी बात करें। अब बात करें इधर सर्कल ड्राइवर की, देखिए सर्कल ड्राइवर की आपको LED ही देख के आपको पता चल रही होगी कि LED में सभी तरीके की आपकी LED लगी है, बिल्कुल आपको नेचुरल वाइट देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छे लूमन्स के साथ देखने को मिलेगी। ये जो सर्कल ड्राइवर है, सर्कल ड्राइवर में बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, जो बड़ी बड़ी जैसे बजाज और आपके हेलोनेक्स, काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है। अब सर्कल ड्राइवर की बात करें, इसमें क्या है, इसमें आपका पूरी तरीके से एक एक चीज़ करके बनाई गई है। जैसे अगर बात करें बैटरी चार्ज करने की, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है बैटरी चार्ज करने का, अगर बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होगी तो आपकी बैकअप अच्छे से नहीं होगा इसमें, तो इस तरीके से इसमें पूरी एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। और अगर वोल्टेज अगर फिर भी हाई आते हैं तो ये रिपेयरेबल रहता है, क्योंकि इसमें आपका MOB फ्यूज सर्ज प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कंपोनेंट लगाए गए हैं कि इसको आप रिपेयर कर सकते हैं, पर ये जो आइटम है ये आपका रिपेयरेबल नहीं होता है। तो अगर आपको लंबे समय तक चलना है, लंबे समय तक बिजनेस में खड़े रहना है, तो आप सर्कल ड्राइवर में उपयोग करिए। सर्कल ड्राइवर में काफ़ी अच्छा फीडबैक आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे सर्कल ड्राइवर है वो टर्बो चार्जर का फीचर्स है। इसमें क्या रहता है, इसमें अगर वोल्टेज आते हैं तो हाफ वोल्टेज से आपकी LED ब्राइट करती है और हाफ वोल्टेज से आपकी बैटरी चार्ज होती है, तो बहुत ही काफ़ी लंबा समय लगता है बैटरी को चार्ज होने में। पर ये सर्कल ड्राइवर की अगर बात करें, यहाँ पे क्या रहता है, पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। ये DT में अलग वाइंडिंग की गई है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और एक अलग वाइंडिंग की गई है आपकी LED को जलाने के लिए, तो प्रॉपरली तरीके से ब्राइटनेस कर जाता है। अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हो, प्रोडक्ट प्राइस थोड़ी इंक्रीज ज़रूर है पर आपका मार्केट में बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज रहेगा, आपको बस बना के मार्केट में सेल करना है और बहुत ही अच्छा आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और जिसका कम बजट है इसमें करना चाहते हैं, आपका अगर एरिया में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं प्रॉब्लम है, तो आप अल्फा ACDC से उपयोग कर सकते हैं। अब बाकी थिकनेस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस ACDC की थिकनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अंतर है। और यहाँ पे सिर्फ LED वगैरह भी LED ओनली लगी हुई है तब इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स कैपेसिटर IC वगैरह सारी लगी हो तब इसकी आप थिकनेस देख सकते हो, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वालिटी का कितना अंतर रहता है। अब आप भी सोचिए अगर प्राइस कम होगा तो फिर प्राइस की कटौती ECPC वगैरह में की जाती है। देखिए अगर आप नॉन गारंटी ACDC में काम करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें, आपको नेचुरल वाइट रोशनी देखने को नहीं मिलेगी, और अगर इसमें बात करेंगे इससे थोड़ा हाई ग्रेड बॉम वाइट हल्का नेचुरल वाइट में रोशनी पहुंच जाएगी। और अगर आप अच्छे क्वालिटी में काम करेंगे तो आप सर्कल ड्राइवर में MCPC में काम कर सकते। बाकी अगर बॉडी की बैटरी की बात करें, वो तो सारी बैटरी और बॉडी सभी सेम लगती है बैकअप के हिसाब से, बाकी जो क्वालिटी रहती है वो यही चीज़ की क्वालिटी रहती है कि किस तरीके की क्वालिटी आप बना रहे हैं। अगर आपका एरिया में फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम कम है तो आप इस तरीके से इसमें अल्फा ACDC में काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बैकअप देखने को नज़र आएगा। तो आज की वीडियो में यही नॉर्मली था कि जो लोग अल्फा DO में जानकारी लेना चाहते थे वो इस वीडियो से उनको मिल गई होगी।
आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आप अपना मोबाइल नंबर ना डालें कि आपको एलईडी बल्ब का बिज़नेस करना है, मोबाइल नंबर डाल दें तो काफ़ी फ्रॉड लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, तो प्लीज़ मोबाइल नंबर कमेंट में ना डालें। अगर आपको बिज़नेस स्टार्टअप्स करना है तो स्क्रीन पर मैं ऑलरेडी नंबर दे रखा हूँ, और मैं बोल के भी आपको बता देता हूँ 8269233078, इस नंबर पे आप कॉल करके 10 बजे से लेकर 7 बजे तक एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉल करके आपको प्रॉपरली तरीके से आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा किस तरीके से आप स्टार्टअप्स करें, कौन सा आप बिज़नेस प्रॉपरली करें, कौन सा बिज़नेस प्रॉफिट रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट चलाने में आपका वो चीज़ अब प्रॉपरली रहेगी, क्योंकि हमारी कंपनी 4 साल से वर्क कर रही है, और हमारी कंपनी का नाम है यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री। इसकी हेड ऑफिस है मध्य प्रदेश मुरैना पोरसा में, आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो, और सेकंड ब्रांच है हमारी यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो दिल्ली में है, वहाँ पे भी आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हो। उसकी जो लोकेशन है 17/3 DLF इंडस्ट्रियल एरिया मोती नगर, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी बिजनेस स्टार्टअप करने का, क्योंकि काफ़ी फेस्टिवल आने वाले हैं डेकोरेटिव लाइट्स के ऊपर, तो आप अगर अभी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप बिज़नेस प्रॉपरली तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कोई और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई किस प्रोडक्ट पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, तो हम आपको उसी प्रोडक्ट पर वीडियो आपको बताएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।